यू कैन सी माई ग्लोइंग स्किन सामने से भी सनलाइट आ रहा है और माई स्किनो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इज स्रिस्टी एयर एंड यू वॉचिंग सृष्टि अगर आपने भी तो मेरे चैनल तो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेलाइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करते हैं दी सेंसिटिव ऑयली स्किन वालों के लिए स्किन केयर बताओ मेरा स्किन सेंसिटिव है मैं कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करूँ मेरा स्किन ऑयली uh, है मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ तो आज का वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ऑयली और सेंसिटिव स्किन है या फिर सिर्फ ऑयली स्किन है वो कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस विंटर में ट्राई करें तो बेसिकली अभी विंटर भी आ रहा है और हम लोगों को अपने स्किन केयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि विंटर में हम लोग एक गर्म हीटर वगैरह यूज़ करते हैं जिससे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हमारा स्किन काफ़ी ड्राई हो जाता है तो गाइज़ uh, ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा स्किन ड्राई रहे विंटर में भी हम चाहेंगे कि हमारा स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज सपल एंड ग्लोइंग रहे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फेस वॉश फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंटर्स में क्योंकि विंटर में हम फेस वॉश जो होता है वो हमारे स्किन को ड्राई कर सकता है और हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल्स को भी रिमूव करेगा ऑलरेडी स्किन पहले से ड्राई है और आप कोई ड्राई वाला फेस वॉश यूज़ करेगा तो आपके स्किन का खात्मा हो सकता है सो so, आपको क्या करना है मैं आपको फेस वॉश सजेस्ट करूंगी आप कॉजारेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल फेस वॉश यूज़ करिए अगर आपका ऑयली स्किन है अभी क्या है ना विंटर में आप सिर्फ एक बार फेस वॉश करेंगे ना चलेगा समर में क्या होता है कि हमारा स्किन इतना ज़्यादा ऑयली होता है हम रात को सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो हमारा स्किन काफ़ी ऑयल पूरा जमा रहता है आप सिर्फ एक बार फेस वॉश करिए ज़्यादा डस्ट अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं ऐसा जगह पे नहीं है जहां पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है तो आप शाम में अगर आप अपना सनस्क्रीन डे टाइम में अप्लाई करें तो शाम में आप फेस वॉश करिए इसका जो पीएच है वो 5.5 है एंड आई गेस सारे ही स्किन वालों के लिए अच्छा होता है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है गाइज अब आ जाते हैं सेकेंड हाइड्रेशन हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन हमारा स्किन जितना हाइड्रेटेड रहेगा उतना ही ज़्यादा ग्लोई सप्पल एंड रेडिएंट होगा तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कॉजार एक्स का स्नेल म्यूसन 96 पावर एसेंस ट्राई करो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइस ब्यूटीफुल उसके जो प्रोडक्ट्स है उसका भी मैंने फुल रिव्यू किया हुआ मैं आपको डाल दूंगी आप चेक कर लेना वहाँ से आपको अप्लाई करने के बाद जो आपको ग्लोई एंड बहुत अच्छा सा फील होता है एंड उसमें बहुत सारे ह्यूमक है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे हो गया हाइड्रेशन गाइस अब आता है क्वेश्चन कि आप सिरम कौन सा यूज करो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये आपको देखना होगा कि आपको कौन सा सिरम का रिक्वायरमेंट है लाइक अभी ऑयली स्किन वालों के लिए नियासिनामाइट सिरम बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है मिनिमलिस्ट का फाइपर से नियामाइट सिरम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप भैया नेचुरल्स का नियासिनमाइट सिरम यूज करो बिल्कुल लाइट वेट है वॉटरी कुछ भी ज़्यादा Uh, उसमें ऐसा आपको अप्लाई करके ही आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई सिरम अप्लाई किया है एब्सॉर्व हो जाता है स्किन में इनफैक्ट मिनिमलिस्ट वाला भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका सिर्फ ऑयली स्किन है लेकिन अगर आपका ऑयली और सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको आप वया नेचुरल वाला ट्राई करोगे तो हो गया सिरम ट्रीटमेंट हो गया अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो भी विंटर में मॉइस्चराइजर क्योंकि मॉइस्चराइजर के बिना हमारे को लाइक ड्राई फील होगा ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को पूरा लॉक करके हम हमारे मॉइस्चर को हमारा जो भी ट्रीटमेंट है उसको लॉक करके रखता है और हमें हमारे को ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है बहुत टफ होता है मॉइस्चराइज़र इनफैक्ट अभी इतने टाइम हो गया है मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ स्टिल मैं सर्च करती रहती हूँ कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिल जाए जो मेरे स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज़ करे क्योंकि जितना ज़्यादा थिक ऑक्लोजिव बेस्ड मॉइस्चराइजर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे को पिम्पल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर नॉर्मल मॉइस्चर जो लोशन वाला जैसे अभी मैं सिंपल लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ लिटरली आर अच्छा है कोई इरिटेशन नहीं हुआ कोई पिंपल नहीं हुआ बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो तीन में चार बार तीन से चार बार अप्लाई करना होता है क्योंकि हर एक घंटे में मुझे ड्राई फील होता है आई डोंट नो व्हाई उसमें क्या है वो या तो एवेपोरेट हो जाता है या स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है वो लाइट अ, है लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइट है कि मुझे तीन से चार बार अप्लाई करना पड़ता है अगर मैं अप्लाई नहीं करूँगी तो मुझे बिल्कुल ड्राई फील होता है अंदर से ड्राई फील होता है सो गाइज विंटर में आपको ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए जिसमें थोड़े बी वैक्सड हो थोड़ा थिक हो ऑक्लूसिव बिगज थोड़ा थिक हो ताकि वो आपको ज़्यादा ड्राई फील ना हो और आप अगर हीटर वगैरह में बैठे हैं तो आपको स्किन से वाटर लॉस ना हो Uh, जैसे अभी सेटाफिल का डी एम मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ये सिर्फ ऑयली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है बिकॉज ऑब्वियसली ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा थेकोक्लोज बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने को चाहिए होता है तो ये दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन उनको सेटाफिल डी एम बहुत अच्छा होगा इट्स अ गुड मॉइस्चराइजिंग लोशन जो विंटर uh, में आप अप्लाई कर सकते हो लाइट वेट है बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज इसमें मुझे लगता है कॉजारेक्स का फेस वॉश और आ, स्नेल म्यूसिन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन अद, बाकी चीज़ें आपको काफ़ी अफोर्डेबल होंगी 400, 500, 600 तक की चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके बाद सनस्क्रीन अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन uh, होता है कि क्या विंटर में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए ऑब्वियसली यस यस एंड यस विंटर में भी सनस्क्रीन आपको हर दिन अप्लाई करना चाहिए विंटर में तो ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि समर्स में तो हमें बहुत गर्मी लगती है और हम धूप में नहीं जाते हैं लेकिन विंटर में हमें ठंड लग रही होती है और हम डायरेक्ट धूप में चले जाते हैं वाओ कितना अच्छा धूप है चलो धूप सीखने चलते हैं लेकिन विंटर में जब हम धूप जब सनलाइट हमारे को डायरेक्ट पड़ता है हमारे स्किन पे, तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए तो ऑयली स्किन वालों के लिए मैं सनक्रॉस का सनस्क्रीन सजेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होता है और ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा होता है तो गाइज ये हो गया सनस्क्रीन एंड उसके बाद ऑयली uh, स्किन वाले मत भूलो अपने बॉडी पे भी मॉइस्चर लोशन बॉडी लोशन अप्लाई करो मैं वैसलिन का बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ आप कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई कर लो लेकिन ज़रूर करो बिकॉज़ बॉडी भी काफ़ी ड्राई हो जाता है विंटर में एंड गाइज आप अपने पैरों का भी ज़रूर ख्याल रखना इनके बाद आपको वीक में दो से तीन बार ए एच ए बी एच ए टोनर अगर यूज़ करना तो आप कॉजारेक्स का ए एच ए बी एच ए टोनर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको सेलेसलिक एसिड कोई अच्छा सैलेसलिक एसिड यूज़ करना है तो आप मिनिमलिस्ट का सेलेसिलिक एसिड सिरम अप्लाई करो वीक में एक बार और अगर आपको एक्ने स्कार्स को रिमूव करना है तो आप अल्फ़ा आर्पिटीन भी यूज़ कर सकते हो मिनिमलिस्ट का इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट है और डेफिनेटली ये आपके एक्ने स्कार्स को भी रिमूव करेगा तो ये है हैगा एक कम्प्लीट रिव्यू आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना टेल तो की कीॉचिंग बाय बाय